नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं ये वीडियो हाइपोनेट्रीमिया इस टॉपिक का पार्ट टू है जिसमें हम हाइपोनेट्रीमिया के मेडिकेशंस हाइपोनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस ट्रीटमेंट के वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशन के मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हाइपोनेट्रीमिया के फर्स्ट पार्ट को पहले देखना चाहिए हाइपोनेट्रिमिया पार्ट वन की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी हाइपोनेट्रिमिया के ट्रीटमेंट सिम्टम के प्रेजेंस पे डिपेंड करती है अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है तो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम को कंसिडर करना चाहिए एक्यूट हाइपोनेट्रिमिया जो 48 आर के अंदर डेवलप होता है इसमें सोडियम करेक्शन हाइपरटोनिक सलाइन के साथ किया जाता है और ट्रीटमेंट गोल ब्रेन स्टेम हर्निएशन को प्रिवेंट करना होता है क्रोनिक हाइपोनेट्रेमिया में भी सोडियम करेक्शन हाइपरटोनिक सलाइन के साथ ही किया जाता है बट ट्रीटमेंट गोल सोडियम करेक्शन के साथ ऑस्मोटिक डिमाइलिनेशन सिंड्रोम को प्रिवेंट करना होता है असिम्प्टेटिक पेशेंट में फ्लूड रिस्ट्रिक्शन और वासोप्रेसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कॉमनली यूज होते हैं डिमिक्लोसाइक्लिन यूरिया और सॉल्ट सप्लीमेंट अदर ऑप्शंस होते हैं हाइपोनेट्रिमिया के ट्रीटमेंट के लिए दो गाइडलाइंस अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट्स गाइडलाइन और यूरोपियन गाइडलाइंस कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट गाइडलाइंस पे फोकस करेंगे जैसा कि हमने पहले भी देखा हाइपोनेट्रिमिया के सिम्टोमेटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट ड्यूरेशन और क्लिनिकल फीचर पे डिपेंड करती है एक्यूट हाइपोनेट्रेमिया में 3% सोडियम क्लोराइड के इन्फ्यूजन का रेट सिम्टम्स मॉडरेट है या सीवियर है इस पे डिपेंड करता है ड्राउजीनेस सीजर कोमा जैसे सीवियर सिम्टम हो तो सीरम सोडियम फर्स्ट फ्यू आवर्स में फोर टू सिक्स मिली क्यूलेंट पर लीटर से बढ़ना चाहिए यह करेक्शन अचीव करने के लिए हंड्रेड एम एल परसेंट सोडियम क्लोराइड और टेन मिनट इन्फ्यूज कर सकते हैं अगर सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते तो सेम डोज थ्री टाइम्स रिपीट कर सकते हैं लिथार्जी अल्ट्रट सेंसोरियम जैसे मॉडरेट सिम्टम में भी सिरम सोडियम फर्स्ट फ्यू आवर्स में फोर तो टू सिक्स मिलीक्वेलन पर लीटर से करेक्ट होना चाहिए ये करेक्शन अचीव करने के लिए थ्री परसेंट सोडियम क्लोराइड को जीरो पॉइंट फाइव टू टू एम एल पर के जी पर आर के रेट से कंटिन्यू इन्फ्यूजन से दे सकते हैं इन दोनों ही केसेस में सोडियम करेक्शन के लिए कोई सेट लिमिट नहीं होती और ट्रीटमेंट का गोल सोडियम करेक्शन के साथ ब्रेन स्टेम हर्नियेशन को प्रिवेंट करना होता है क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया के डेवलपमेंट की रिस्क, रिस्क हाई होती है ऐसे पेशेंट में सीरम सोडियम को फोर टू सिक्स मिलीक्वेलेंट पर लीटर पर डे के रेट से करेक्ट करना चाहिए जिन पेशेंट में ओडियस होने की रिस्क कम होती है ऐसे पेशेंट में सीरम सोडियम को फोर टू एट मिलीक्वेलन पर लीटर पर डे के रेट से करेक्ट करना चाहिए इन दोनों केसेस में इन्फ्यूजन रेट प्रीडिटरमाइंड नहीं होता बट इन्फ्यूजन को सीरम सोडियम लेवल करेक्शन की सेट लिमिट के अकॉर्डिंग देना चाहिए हाई ग्रुप में यह लिमिट एट मिलीक्वेलन पर लीटर पर डे होती है वही लो ग्रुप में यह लिमिट टेन टू ट्वेल्व मिलीक्वेलन पर लीटर पर डे होती है लेकिन फर्स्ट फोर्टी एट आर में यह 18 एटीन मिलीक्वाल पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों ही केसेस में ग्लऑप ट्रीटमेंट सोडियम करेक्शन के साथ ऑस्मोटिक डिमेलिनेशन सिंड्रोम को प्रिवेंट करना होता है इस गाइडलाइन को समझने के बाद आपके मन में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए होंगे पहला कि किन पेशेंट में ओडियस होने की रिस्क ज्यादा होती है और दूसरा कि कैसे इंश्योर किया जाए कि क्रोनिक हाइपोनेट्रेमिया के करेक्शन की सेट लिमिट क्रॉस ना हो सीरम सोडियम करेक्शन की सेट लिमिट क्रॉस ना हो यह इंश्योर करने के लिए हमें कितनी हाइप्रोटोनिक सलाइन देनी पड़ेगी यह कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है जहां टीबीडब्ल्यू मतलब टोटल बॉडी वाटर जिसे बॉडी वेट को परसेंट बॉडी वाटर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है परसेंट बॉडी वाटर एज और जेंडर पे डिपेंड करता है चिल्ड्रन और अडल्ट मेल में ये सिक्सटी परसेंट होता है अडल्ट फीमेल और एल्डरली मेल में फिफ्टी परसेंट होता है वही एल्डरली फीमेल में फोर्टी फाइव परसेंट होता है डेल्टा सोडियम मतलब जो चेंज हम ट्रीटमेंट से सीरम सोडियम में लाना चाहते हैं इस फार्मूला को एग्जाम्पल से समझने से पहले डिफरेंट आई वी के सोडियम कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं 0.9 परसेंट सोडियम क्लोराइड जिसे नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं इसमें सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 154 फिफ्टी मिली क्वेलेंट पर लीटर होता है 1.6 परसेंट सोडियम क्लोराइड में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 274 सेवेंटी मिली इक्वेलेंट पर लीटर होता है और 3 परसेंट सोडियम क्लोराइड में ये कॉन्सेंट्रेशन 513 हंड्रेड मिली इक्वेलेंट पर लीटर होता है इमेजिन कीजिए कि हाइपोनेट्रीमिया का 60 के का एक अडल्ट मेल पेशेंट है जिसका सीरम सोडियम लेवल 110 मिली एंड पर लीटर है जिसे हमें 8 मिली क्यूएलेंट से बढ़ाकर 118 मिली एंड पर लीटर बनाना है इस पेशेंट का टोटल बॉडी वाटर होगा 60 का 60 परसेंट मतलब 36 सिक्स लीटर्स ट्रीटमेंट में 3 परसेंट सोडियम क्लोराइड यूज होने वाला है ये अज्यूम करके अगर हम फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं तो आंसर मिलेगा 0.56 लीटर मतलब 24 फोर आवर में हमें 560 सिक्सटी एम एल सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूज करनी पड़ेगी तब सिर्फ सोडियम लेवल एट से इंक्रीज होगी अगर 560 सिक्स ट्वेंटी आवर में इन्फ्यूज करनी है तो आरली इंफ्यूजन रेट होगा 23.3 थ्री पर आर कुछ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है जहां एक क्लिक पे ही इन्फ्यूजन रेट मिल सकता है इन कैलकुलेटर में यूज होने वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है मैंने इस फॉर्मूले के पीछे की थेरी सर्च करने के बहुत ट्राई किया बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मिला नहीं इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करो तो इन्फ्यूजन रेट थोड़ा ज्यादा आता है जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया उसी का इन्फ्यूजन रेट अगर ऑनलाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करे तो थर्टी एम पर आर मिलेगा ऐसे ही एक कैलकुलेटर की लिंक मैंने पिन कमेंट में दी है ऑस्मोटिक डिमेलिनेशन सिंड्रोम होने की हाई रिस्क ऐसे पेशेंट में होती है जिनका सीरम सोडियम लेवल 1.05 जीरो फाइव पर लीटर के नीचे हो हाइपोरमिया के साथ सिग्निफिकेंट हाइपोकैलेमिया भी हो क्रोनिक अल्कोहलिज्म एडवांस लिवर डिजीज माल न्यूट्रिशन के पेशेंट में भी ओडियस होने की रिस्क ज्यादा होती है ऑस्मोटिक डिमेलिनेशन सिंड्रोम में ब्रेन में नॉन इन्फ्लामेटरी डिमैलिनेशन होता है मोस्ट कॉमनली ये डिमेलिनेशन पॉन्स में होता है बट बेजल गेंग्लिया थैलामस सेरेबिलम इन एरियाज में भी डिमैलिनेशन हो सकता है ओडीएस के क्लिनिकल फीचर्स में कन्फ्यूजन सुडोबल्बर पालसी जिसमें डिस्फेजिया और डिसार्थ्रिया होता है हॉरिजनटल गेस पालसी स्पास्टिक कॉड्रिब्लिजिया जिसमें ऑल फोर लीव्स में वीकनेस इंक्रीज टोन एग्जाजरेटेड रिफ्लेक्सेस और एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स होता है प्रोग्नोसिस पुअर होता है रिकवरी के लिए कई मंथ्स लग सकते हैं और अगर रिकवरी हो भी जाए तो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऑस्मोटिक डिमेलिनेशन सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हाइपोनेट्रीमिया में सीरम सोडियम का रैपिड करेक्शन अवॉइड करना चाहिए अगर रैपिड करेक्शन हो जाए तो हाइपरटोनिक सलाइन स्टॉप करनी चाहिए वैप्ट स्टॉप करनी चाहिए अगर बेसलाइन सीरम सोडियम लेवल 120 ट्वेंटी मिली इक्वेलन पर लीटर से ज़्यादा हो तो किसी भी फर्दर इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती अगर बेसलाइन सीरम सोडियम लेवल 120 ट्वेंटी मिली इक्वालन पर लीटर से कम हो तो ओरली फ्री वाटर या फिर 5% परसेंट डेक्सट्रोज टू टू थ्री एम पर के पर आर के रेट से देना चाहिए साथ में डिस्मोसप्रेसिन नेजल स्प्रे भी दे सकते हैं असिम्टोमेटिक पेशेंट में यूज होने वाले मेडिकेशन कुछ इस तरह होते हैं वासोप्रेसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स डिमिक्लोसाइक्लिन जो एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो कलेक्टिंग डक पे एडीएच के एक्शन को ब्लॉक कर देता है यूरिया सप्लीमेंट ऑस्मोटिक डायरिसिस करते हैं जिससे फ्री वाटर एक्सक्रीशन होता है सॉल्ट सप्लीमेंट सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट्स या सोडियम क्लोराइड कैप्सूल के फॉर्म में दी जाती है वासोप्रेसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में टोल और कोने आते हैं ये ड्रग्स वासोप्रेसिन V2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जिससे वाटर रीअब्सॉर्बेशन कम होकर फ्री वाटर एक्सक्रीशन होता है और सीरम सोडियम लेवल बढ़ने लगती है ये ड्रग्स यू वॉल्यूमिक और हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में यूजफुल होते हैं बट हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया और एन में कॉन्ट्राइंडेटेड होते हैं टोलवैप्टन का डोज फिफ्टीन एम जी वंस डेली होता है जो कि थर्टी एम जी पर डे तक भी बढ़ा सकते हैं बट डेली डोज कभी सिक्सटी एम जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए हिपेटिक टॉक्सिसिटी की पॉसिबिलिटी की वजह से ट्रीटमेंट 30 डेज से ज्यादा नहीं देनी चाहिए क्रियाटिन क्लियर टेन एम पर मिनट से कम होने पर टोलवैप्टन अवॉइड करनी चाहिए अंडरलाइन लिवर डिजीज में भी टोलवैप्टन अवॉइड करनी चाहिए

एमजी तक कम किया जा सकता है क्रियाटिन क्लियरेंस अगर थर्टी एमएल पर मिनट्स के नीचे हो तो कोनी वेप्टन को अवॉइड करना चाहिए स्पेसिफिक टाइप के हाइपोनेट्रीमिया को अलग ट्रीटमेंट जरूरी होती है हाइपो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में नॉर्मल सलाइन या अदर बैलेंस क्रिस्टेलाइट सोल्यूशन के साथ वॉल्यूम रिस्टोरेशन किया जाता है सोडियम सप्लीमेंट की नीड रेयरली ही लगती है आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हाइपो हाइपोनेट्रेमिया में टोटल बॉडी सोडियम सिग्निफिकेंटली फॉल होने के बाद भी सोडियम सप्लीमेंट क्यों नहीं देने पड़ते इसका आंसर हाइपो के कारण बढ़े हुए एडीएस लेवल में है वॉल्यूम रिस्टोरेशन के साथ ही एडीएस लेवल कम हो जाती है जिससे फ्री वाटर एक्सक्रीशन होता है दिए हुए आईवी फ्लूड्स में से वाटर एक्सक्रीट होकर सोडियम रिटेन होता है इसीलिए सीरम सोडियम लेवल बढ़ने लगती है यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में फ्लूड रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है अगर फ्लूड रिस्ट्रिक्शन इफेक्टिव ना हो तो वैप्टन ऐड कर सकते हैं लूप डायरेटिक्स ओरल सोडियम क्लोराइड और फ्लूड रिस्ट्रिक्शन का रेजिमेन भी यूज कर सकते हैं हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में लूप डायरेटिक्स और फ्लूड रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है अगर यूरिन ऑस्मोलिटी हाई हो तो लूप डायरेटिक्स के साथ नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं वेप्टन भी यूज कर सकते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग